गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस खेजिला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक आउट योर बुक, नोटबुक, पेंसिल एंड स्टार्ट लर्निंग विद मी। चैप्टर हमारा चल रहा था सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन क्या होती है? ग्रेटर वैल्यू में से एक स्मॉलर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो इसका आंसर आता है वो क्या कहलाता है? डिफरेंस कहलाता है। तो इसमें से हम कर रहे थे एक्सरसाइज कर रहे थे हम 4.2, ठीक है, 4.2 कर रहे थे हम। 4.2 का सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज हमारी थी 4.2, क्वेश्चन था सेकंड, कौन सा था? सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है। यहां आपके पास में, हाँ, मैंने ई तक करवा दिया था, आज एफ क्वेश्चन है। एफ में देखो कितने कॉलम है, 4 है अपने पास में, 1, 2, 3, 4, O for ones, T for tens, H for 100, TH for 1000, ठीक है। ये कैरी है, बोरो है, सॉरी, सब्ट्रैक्शन में हम क्या नाम लेते हैं? बोरो। बोरो है तो F के बाद, हाँ F है हमारे पास में, डिजिट है देखो 4, 7, 7, 8, 4, 1, 8, 6, ठीक है, ये लेते हैं हम। अब यहां देखना आप, अब मेरे पास में 4 रुपए है, 4 रुपीज है, मेरे को किसी को 7 रुपीज देना है, कोई जो मेरे से मांगता है, मेरा फ्रेंड मुझसे कितने रुपए मांगता है? 7 रुपीज मांगता है, तो मैं उसको दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी जेब में कितने हैं? 4 रुपीज ही है। तो अगर पूरा उसको देना है, पूरा हिसाब उसका क्लियर करना है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो मान लो वो मेरे घर पे आया और बोला भाई मुझे 7 रुपीज दे, तो मैं ऐसा बोलूंगा मेरे पास तो 4 रुपीज है, 4 ले ले, तो नहीं, वो क्या बोला, मुझे तो पूरे के पूरे 7 रुपीज चाहिए। तो अब ये क्या करेगा बेचारा, जो 4 था ये अपने पड़ोसी के पास जाएगा, टेंस के पास, और बोलेगा टेंस मेरे को है ना कुछ पैसे उधार दे, बोरो दे, ताकि मैं उसको अपने फ्रेंड को दे सकूं पूरा, ठीक है। तो ये बोला ठीक है, इसको दे दिया मन। अब जो इसके फ्रेंड के पास 7 था, अब इसके पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि उसने उसको 1 दे दिया। अब हमारे पास में 14 है और 7 है, मैंने आपको बताया था डिफरेंस कहलाता है, क्या कहलाता है? डिफरेंस। तो अब आप देखो 14 में से 7 माइनस करोगे तो क्या आएगा? तो आप 7 से आगे काउंट करो और 14 पे रुक जाओ, 7 से आगे गिनो, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कितना आया? 7, 7 लिख दो, ठीक है। अब देखो टेंस है, एक टेंस नाम का जो व्यक्ति था उसके पास में 6 रुपीज थे, और उसका जो फ्रेंड था उससे पैसे मांगने के लिए आया, तो वो कितने पैसे मांगता था उससे? 8 रुपीज। अब उसकी जेब में तो है 6 रुपीज, वो उसको देना है किसी को 8 रुपीज, तो ये भी नहीं दे पाएगा, ये भी क्या करेगा, अपने पड़ोसी से बोरो लेगा। तो इसके पास 6 का 16 हो जाएगा, और जो उसका पड़ोसी था 4 से उसके पास एक कम हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3। तो अब देखो 16 और 8 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 8 से आगे गिनो और कहां रुक जाओ? 16 पे। तो 8 से आगे गिनो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8, कितना आया? 8। अब आपके पास में 3 रुपीज है, ठीक है, 100 के पास में 3 रुपीज था, और उसके पास एक फ्रेंड आया बोले 1 रुपये देना, तो ये आराम से दे देगा, 3 में से 1 दे दिया, फिर भी उसके पास कितना बचा? 1 रुपये बच गया, 3 था, 1 दे दिया, तो उसके पास कितना? 2 रुपीज बच गया। हाँ,
थाउजेंड नाम का व्यक्ति था, उसके जेब में कितने थे? 8 रुपीज थे। एक व्यक्ति उससे कितने? 6 रुपीज मांगता था, तो 8 में 6 दे देगा आराम से, और फिर भी उसके पास क्या बच जाएगा? 2। ठीक है, अब इसको करो आप F। तो ये कैसी है? बोरो वाली सब्ट्रैक्शन है। कैसी है? सब्ट्रैक्शन है बोरो वाली, जिसमें हम उधार लेके सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर हमारे पास नहीं होता है नंबर, छोटा नंबर होता है, तो हम किसी से बोरो लेके करते हैं। तो अब हम करेंगे जी, जी में 1, 2, 3, 4। O for ones, T for tens, H for 100, TH for 1000। ठीक है, यहां आपको कैरी के लिए ये 1, ये 2, ये 3, ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल होना चाहिए। ठीक है, जी आपके पास में है 2, 6, 2, 6, 5, 9, 6, 5, 7, 4, ये आपके पास में। तो देखते हैं इसको भी करते हैं हम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास में 2 रुपीज है, हमारे पास में 2 रुपीज है, और हमसे हमारे घर पे आ गए एक फ्रेंड, बोला 6 रुपीज देना, तो हम दे पाएंगे क्या? हमारे पास 2 रुपीज ही है, हम उसको 6 रुपीज कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने पड़ोसी से उधार लेके आना पड़ेगा। तो हमारा पड़ोसी कौन है? यहाँ देखो हमारा पड़ोसी है टेंस। तो अभी हमारे पास में है 2 रुपीज। ठीक है, हम अपने पड़ोसी से एक लेके आएंगे तो हमारे पास हो गए 12 रुपीज, और हमारे पड़ोसी के पास 5,000 हमें एक दे दिया, तो एक कम हो गया 5 से, अभी एक कम हो गया 4। ठीक है, अब 12 और 6 का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 6 से आगे काउंट करो और 12 पे रुक जाओ, 6 के बाद में गिनो 7, 8, 9, 10, 11, 12, कितना हुआ? 6। ये 6 आप लिख दिया। ठीक है, अब देखना हमारे पास में कितने रुपए हैं? 4 रुपीज है हमारे पास, और हमसे कोई कितने रुपीज मांगता है? 9 रुपीज। तो हम दे पाएंगे क्या? 4 ही है हमारे पास, तो हम नहीं दे पाएंगे। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? बोरो लेना पड़ेगा। तो यहां से बोरो किसके पास से लेंगे? 100 से बोरो लेंगे, तो 100 से बोरो लेंगे, तो 4 का हो गया 14। और जिसने हमें बोरो दिया था, 100 ने हमें बोरो दिया था, तो अब उसके पास 6 से एक कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा उसके पास। तो अब यहां देखो 14 और 9 का डिफरेंस कैसे निकालोगे? 9 से आगे काउंटिंग स्टार्ट करो और कहां रुक जाओ? 14 पे। तो 9 के आगे 10, 11, 12, 13, 14, कितना आया? 5। ठीक है, 5 में से 5, अगर हमसे कोई 5 रुपीज है हमारे पॉकेट में और कोई 5 रुपीज ही मांगता है, तो हमने 5 पूरे उसको दे दिए, पीछे हमारे पास क्या बचा? 0, कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, 7 में से 4 गया, क्या बचा? 3। आराम से दे सकते हैं, हमारे पास में 7 रुपीज है, कोई 4 रुपीज मांगने के लिए आया तो 4 दे देंगे, तो हमारे पास पीछे कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब आप क्या करें, इनको अपनी नोटबुक में कॉपी करें अच्छी राइटिंग के साथ। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, कब हम बोरो लेते हैं कब बोरो नहीं लेते हैं। अगर हमारे पास में है इनफ मनी है, हम दे पा रहे हैं उसको, क्लियर कर रहे हैं पूरा का पूरा, तब तो वो बोरो नहीं लेंगे। पर जब हमारे पास में डिजिट छोटा होगा तो हम क्या करेंगे? बोरो लेंगे अपने किससे? पड़ोसी से। और जब जिससे भी हम बोरो ले रहे हैं तो उस डिजिट में ये कम हो जाएगा।
तो बढ़ते हैं हमारे आगे होमवर्क के लिए। ये जो कैरी वाली सब्ट्रैक्शन है आपको आसानी से समझ में आए तो आ गई होगी, ठीक है। मैं बहुत धीरे धीरे चल रहा हूँ, आराम से पढ़ा रहा हूँ एक एक चीज, इसीलिए मैं अब क्या कर रहा हूँ एक एक दो दो क्वेश्चन और वो भी अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, आपको हर चीज का फायदा होना चाहिए। चलो अब होमवर्क करते हैं हम। होमवर्क में एच वन टू थ्री फोर, ये कैरी के लिए ये वन टू, एच में आपके पास में 9 8 3 5 4 7 8 3, वन टू थ्री फोर, फोर वन थ्री फोर टाइम्स एच 400 पी एच 4000, ठीक है। ये कैरी के लिए वन टू यहाँ आपके पास में है 6109 1842, ठीक है। ये दोनों होमवर्क में आपके लिए क्वेश्चन, यहाँ देखना आपके पास में 9 रुपीज है, कोई 8 रुपीज मांगता है आराम से दे, 9 है आपके पास में, 9 रुपीज है, 8 रुपीज आराम से दे पाओगे। आपके पास में 3 रुपीज है और कोई 5 रुपीज मांगता है, आप नहीं दे पाएंगे तो ये बोरो लेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ देखो 6 रुपीज है आपके पास में और कोई 1 रुपी मांगता है तो आप आराम से दे पाओगे। आपके पास है 6, कोई आपसे 1 मांगता है, ले ले भाई 1, फिर भी आपके पास में क्या बचा 5। यहाँ 0 है तो अब 0 है, 0 का मतलब हमारे पास में 1 भी रुपया नहीं है, टेंस था व्यक्ति, 1 भी पैसा अपने पास में नहीं है और कोई 9 रुपीज मांगता है तो उसको तो देना ही पड़ेगा, इसको बोरो लेना पड़ेगा, बच्चा ये उधार लेके आ भाई, तो ये उधार लेके आएगा तो 10 बन जाएगा, 10 में से 9, ठीक है। तो ये दोनों होमवर्क है, तो आज की क्लास अपने फिनिश होती है, कल अपन फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।